कि गरीब आदमी महंगाई तले दब गया है, दफन हो गया है और मईशत का पहिया जाम हो गया है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो गाड़ियां बनाती हैं 67% प्रोडक्शन में ड्रॉप आया है मेरे भाई, वहां पर इस मुल्क का 5.8% ग्रोथ होने हम छुट्टी गए थे, अब मर के जो है वो बात की जा रही है। तो ये अलार्म बेल बज चुकी हैं मईशत के हवाले से और कौमें मईशत से पहचानी जाती हैं और खुदा नखास्ता नाकाबिले तलाफी नुकसान भी मईशत के कमज़ोर होने से होता है। आज मईशत जो है वो कमज़ोर तरीन है पाकिस्तान की तारीख में और आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं दुआ को हूँ और पाकिस्तानी आवाम के साथ मिलकर हमें इन मसाइल का हल तलाश करना चाहिए, ना कि वो वक्त आए कि हम काउंटर रोड पर पहुंचे। लेकिन बिलावल भुट्टो जो गाड़ी को भेज देते हैं कि तनकीद का निशाना बन रहे, कहा नवाज शरीफ साहब सिलेक्टेड थे पंजाब को, जब जरूरत पड़ी उनकी क्यादत फरार हो जाती है आवाम को, जब भी जरूरत पड़ती है, क्या बिलावल जैसे रहनुमा को ये जेर देते हैं कि एक बंदा जो इलाज के लिए है और एक बंदा जो अपने भाई की ईमानदारी कर रहा है उस पर ये ध्यान रहा है क्या? मेरा ख्याल है कि जो भी बात की है उन्होंने वो बात जो है ना करते तो अच्छा था। इस तरह अपना एक आदमी जो इलाज के लिए गया हुआ है और बड़ा क्रूशल की सर्जरी है, मैं तो हमेशा अपना जो है वो दुआ करता था। नजाई साहब की जब बीमार थे तो सियासत में जो हमने विसाख जमहूरत के बाद एक शाइसी का सफर शुरू किया था उसको कायम रहना चाहिए। अच्छा, कोरोना वायरस समझते हैं कि सियासत में कोई है जाना, कई वायरस हैं।